कि बंधुओं की सियासी ताकत का कोई तोड़ नहीं ढूंढा जा सका है। इसके पीछे एक वजह यहाँ किए गए विकास के काम भी हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सड़क, अस्पताल और मोहल्ले की नाली तक हर काम में ओवैसी बंधु अपना सीधा दखल रखते हैं। एमआईएम के दफ्तर के दरवाजे क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और इसीलिए पार्टी का काम जमीन पर नजर भी आता है। बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला।